शिव को जिन अलग अलग नामों से बुलाया जाता है उनमें से सोम एक महत्वपूर्ण नाम है। सोम शब्द का मतलब है मदहोशी। अगर मदहोशी नहीं होगी तो आप कभी भी परम शून्य में कूदने के लिए दीवाने नहीं होंगे, जो कि मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। इसलिए सोम या सोम सुंदर शिव के सबसे प्रमुख नामों में से एक हैं। हमेशा मदहोश मगर पूरी तरह सजग तो कहानी इस तरह है। शिव कैलाश के पास पूरी मदहोशी की हालत में बैठे थे। पूरे भारत में खबर फैल गई कि वहां एक आदमी बैठा हुआ है, इतना शानदार आदमी कि धीरे धीरे साल दर साल लोगों ने वहां की यात्रा करनी शुरू कर दी। एक लड़की थी जो हिमालय राज्य की राजकुमारी थी, उसका नाम था पार्वती। जब उसने ये सुना वो बोली, मैं जाकर उन्हें देखना चाहती हूं। उसने जैसे ही उन्हें देखा वो उनसे पूरी तरह अभिभूत हो गई। वो बोली, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसी आदमी से। फिर किसी और ने साजिश रची और वो विवाह के लिए तैयार हो गए। एक भव्य शादी आयोजित की गई, सारे महत्वपूर्ण लोग वहां मौजूद थे। दुल्हन सजी संवरी बैठी थी, हर कोई दूल्हे का इंतजार कर रहा था। और फिर दूल्हा आया, शिव अंदर आए, पूरे शरीर पर राख, बालों में जटाएं, पूरी तरह मदहोश। और उनके मित्र भूत पिशाच और टेढ़े मेढ़े प्राणी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। पार्वती की मां मीना ने इस आदमी और उसके दोस्तों को देखा और जब उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी इस आदमी से शादी करने जा रही है तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें होश में लाया गया, वो पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं अपनी बेटी को इस आदमी को कैसे सौंप दूं? ये जंगली है और बिल्कुल असभ्य है। ये आदमी भी नहीं है, ये कुछ और है। फिर पार्वती ने जाकर शिव से विनती की, मेरे लिए आपका हर रूप ठीक है, आप किसी वजह से इस भयंकर रूप में आए हैं मेरे लिए ये भी ठीक है, पर मेरी मां के लिए एक अच्छा रूप धारण कर लीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, और बहुत सुंदर और भव्य रूप धारण कर लिया। उस रूप को सोम सुंदर कहा गया, मदहोश मगर सुंदर। वो पूरी तरह नशे में धुत थे, आंखें चढ़ी हुई थी, मगर वो बहुत खूबसूरत बन गए। फिर मीना होश में आई और वहां खड़े इस शानदार शख्स को देखा और बोली, मैं अपनी बेटी का हाथ इस व्यक्ति को सौंपना चाहूंगी, उसे नहीं। So, inebriation, intoxication is an essential quality of meditativeness. मदहोशी ध्यान मग्न होने का एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर ये नहीं होगा, अगर आप मदहोश नहीं होंगे तो आप सहज होकर कैसे बैठेंगे? ये भयंकर परेशानी होगी सिर्फ इस तरह बैठे हुए किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश। इसलिए ये शिव का मूल गुण है। तो उनके सिर पर चंद्रमा है जो इस बात का प्रतीक है कि वो हमेशा खुद ही मदहोश होते हैं, किसी पदार्थ से नहीं। शिव के लगातार सोमरस पीने का मतलब है वो शराबी नहीं थे, वो बस उस चांदनी को पीते रहते थे जिसे वो हमेशा अपने बालों पर रखते थे और लगातार मदहोश रहते थे। ये आनंदित स्थिति अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है। ये आनंदित स्थितियां कष्ट का डर मिटा देती हैं। जब कष्ट का डर नहीं होता, जब मेरा क्या होगा ये विचार आपके अंदर से पूरी तरह खत्म होता है, सिर्फ तभी आप जीवन की खोज करने का साहस करेंगे, वरना आप सिर्फ उसे बचाना चाहेंगे। चाहे करियर हो या कारोबार, सब सुरक्षा के लिए। शादी सुरक्षा के लिए, सब कुछ सुरक्षा से जुड़ा है। जब तक कष्ट का डर लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है,
आप जीवन के गहरे आयामों में जाने का साहस नहीं करेंगे। सिर्फ जब आप इस तरह मदहोश मगर पूरी तरह सजग होते हैं, तभी कष्ट का डर नहीं होता। आप कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं।